गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल तो गाइज कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी सस्त मस्त होंगे तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग टाइम से तो अभी टाइम साढ़े चार बजने वाले हैं तो मैं इवनिंग से शुरुआत कर रही हूँ गाइज आज मैं काफी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ मनाली आने के बाद ये मेरा घर का फर्स्ट ब्लॉग है तो मौसम जो है आजकल डेली चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पहाड़ों में सुबह धूप होती है तो शाम को बारिश शुरू हो जाती है अभी भी आप मौसम देख सकते हैं पीछे बिल्कुल खराब हो चुका है तो पहले जो है तीन बजे तूफान चला हुआ था तो अभी हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और हाइट में जो है बर्फ़ गिर रही है अप्रैल मई के महीने में भी तो बहुत ठंड हो गई है हमारे यहाँ तो गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है इस बार कोटी जो है उतर ही नहीं रही है हमारी तो इतनी ठंड हो रखी है पहाड़ों में हस्बैंड जी चढ़े थे ऊपर सीलिंग में ये ढूंढ रहे हैं क्या ढूंढ रहे आप पक्षी का घोंसला है <laughs> ये बोल रहे कि पक्षी ने घोंसला बनाया हुआ है सीलिंग में ऊपर तो उसको देखने गए थे ऊपर इनको अभी मिला नहीं छत की जो गेबल होती है उसमे बोलते हैं हमारे उसका घोंसला है तो बार बार जाती है अंदर वो ढूंढ रहा था तो एक तरफ से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे पर मिला नहीं इनको अभी तक गाइस मौसम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मौसम जो श्रीखंड में जो है बर्फबारी हो चुकी है शुरू तो इधर भी बारिश होने वाली है आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है काले काले बादल छाए हुए आसमान में तो हवाएं भी बड़ी तेज चल रही है अभी है हमारे यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं वहाँ है हमारा गांव कलोग विलेज तो सामने है निर्मंड तो आप देख सकते हैं शाम का व्यू है ये बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर तो गए यहाँ पे मैंने बीजे थे मटर थोड़े से ही बीजे थे बाकी जो है मैंने गांव वाले खेत में बीजे हैं थोड़े से अपने यूज़ के लिए तो आप देख सकते हैं पक गए हैं इनको निकालना पड़ेगा सब्जी के लिए नहीं तो फिर इनको मोकी आके खाएगा सारे मटर मैं लेके आ गई हूं खेत से तो आजकल जो है डेली उठाने को होते मटर लगे हुए तो पिछले कल भी जो है मैंने बहुत सारे मटर लेके आई थी मैं एक बड़ी सी थैला लेके आई थी मैं गांव वाले खेत से उठा के तो आजकल बहुत मटर हो गए हमारे कल भी सब्जी खाई थी तो अब इनको रखना पड़ेगा फ्रिज में साफ करके तो मैं इनको रख लेती हूँ पहले फ्रिज में तो बाद में मिलती हूँ आपसे अभी मैंने मटर उठा लिए हैं खेत से तो मैंने फ्रिज में साफ करके रख दिए हैं तो आजकल जो हमारे यहाँ बहुत ही मटर हो गए हैं तो डेली के मटर उठाने को होते हैं इसकी जो बहुत सारी सब्जी भी खा ली हमने तो अब खाएंगे आज मैं अभी बनाऊंगी दाल तो आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी क्योंकि सब्जी खा के तो बोर हो गए अब तो चलती हूँ शाम की तैयारी करती हूँ मैं अब अभी मैंने गाय दाल चढ़ा दी है पकने के लिए तो मैंने लगाई है मिक्स दाल आज तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है गैस पे तो हस्बैंड जी गए हैं अभी गांव गांव में है, उनका कुछ काम है खेत में तो वो उस सिलसिले से गए हैं गांव वाले खेत में तो मम्मी जी भी गए हैं घास के लिए तो मैं हूं इस टाइम घर में तो बाहर जो है बारिश स्टार्ट हो गई है आजकल ना बुरा हाल हो गया है इस मौसम ने इतना दुखी कर दिया है कंटिन्यू बारिश हो रही है डेली सुबह सुबह जो धूप लगती है बारह बजे के बाद जो है तूफान शुरू हो जाता है उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हो जाती है पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है आजकल फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है कि हम गए थे मनाली तो मैंने कंटिन्यू जो है मनाली वाले ब्लॉग डाले थे आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाई मैंने और जितने भी जहां भी हम गए वहां के सारे ब्लॉग मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाए हैं जैसे कि हम मनाली गए थे अट्टर टनल गए थे सोलांग वैली गए थे आगे शिशु कोकसर गए थे जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है वहां पे भी गए थे हम तो आपको पता ही है व्लॉग में मैंने दिखाया है आप सबको और उसके बाद गए थे हम मणिकरण भी गए थे मणिकरण के बाद हम कसौल गए थे कसौल के बाद हम कुल्लू का भी मैंने दिखाया आपको बिजली महादेव का ब्लॉग भी दिखाया है आपको तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करना उन वीडियो को फिर से वॉच करना तो गाइस वहां से आने के बाद जो है मैं हो गई थी बीमार तो मुझे हो गया था कोल्ड और फीवर तो वहां पे जो है ना ठंड बहुत ज्यादा थी गर्म सर्द हो गया था मुझे तो उस वजह से जो मुझे कोल्ड और फीवर हो गया था तो अब मैं ठीक हो गई हूं जो है आपको घर के ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे तो मैं आपको घर के ब्लॉग ही दिखाऊंगी अब फ्रेंड्स मुझे जाना था अभी गांव वाले खेत में तो मौसम जो है बार खराब भी हो रहा है देखती हूं अगर साफ होता है तो मैं गांव जाऊंगी खेत में तो थोड़ा सा काम है मेरा वहां पर तो आपको भी ले चलूंगी मैं गांव वाले खेत में अगर मौसम साफ होता है तो मौसम जो है आजकल डेली ऐसे ही वो कर रहा है कभी गुड़ 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 करता रहता है कभी बिजली चमकती है कभी तूफान आता है कभी बारिश होती है कभी ओला आ रहा है इस बार जो है ना हमारी फसल बिल्कुल भी नहीं है कहीं कहीं पे है सेब लगे हुए एक पेड़ में जो है ना एक दो ही एप्पल लगे हैं बाकी बिल्कुल खाली है किसी किसी में तो पत्ते भी नहीं आए अभी तक ना फ्लावरिंग आई है इस बार जो है फसल बहुत ही ख़राब है बहुत ही ज़्यादा तो गैस अभी जो है मौसम भी रुक चुका है तो थोड़ा सा साफ हो गया है पीछे देख सकते हैं आप तो मैं जा रही हूँ अभी गांव किल्टा लेके तो इसमें गिल्टे में ले जाऊंगी मैं गोबर अब साथ में तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ यहाँ पे है गाइस गोबर रखा हुआ है तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ उठा के किल्टे में तो मैंने कशी भी नहीं लाई इसको उठाने के लिए हाथ से ही डालना पड़ना अब पीठ में डाल दिया गोबर का किल्टा जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में तो जब भी हम गांव वाले खेत जाते हैं तो साथ में जो है गोबर का किल्टा ले जाना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर है गांव वाला खेत तो वहां पे गोबर भी बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली ले जाते हैं गोबर जब भी गाँव जाते हैं तब जो है ले जाते हैं साथ में तो ये है रास्ता गाँव के लिए कई बार मैंने आपको दिखाया हुआ है ऐसा टेढ़ा मेढा रास्ता है उतराई वाला तो पहले जो है हमें रोड के लिए निकलना पड़ेगा तो मैं गाइज आपको यहाँ पे बता देती हूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटा सा पेड़ है एप्पल का तो इसमें भी जो है एक ही लगा है मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये दिख रहा होगा आपको एक ही एप्पल लगा हुआ है इसमें तो इस बार जो है इतनी खतरनाक फसल लगी है हमारे यहाँ बहुत ही कम लगी है फसल का कोई नामो निशान नहीं है सबका जो यही हाल आप देख सकते हैं इसमें जो है अच्छे से पत्तियाँ भी नहीं आई है ना फ्लावरिंग हुई है तो ये मेरे आंटी का बगीचा है ये वाला तो मैं रो, रोड में पहुंचने वाली हूँ तो गाइज मुझे जाना है वहाँ पे उस वाले खेत में पहले मुझे गांव जाना पड़ेगा फिर वहाँ से गांव से होके नीचे जाना पड़ेगा यहाँ मुझे जाना है अभी गोबर लेके साथ में तो जितनी बार भी हम गांव जाते हैं तो गोबर ले जाना ही पड़ता है पेड़ के ऊपर के लिए जो एप्पल प्लांट्स है इसमें जो गोबर है गोबर डालना पड़ता है वैसे तो सर्दियों में डालते हैं हम गोबर तो एक जगह इकट्ठा करके रखते हम गड्ढे में तो वहाँ ले जा रही हूँ मैं इसको कच्चा गोबर है ताकि ये सड़ जाए अच्छे से गड्ढे में फिर जो है डालने के लिए भी अच्छा हो जाएगा ये इसकी अच्छी खाद बन जाती है फिर ये देख सकते हैं आप कैसा रास्ता है रोड से जो है पूरा रास्ता खराब करके रखा है रोड वालों ने हमारा तो ऐसा रास्ता हुआ है अब यहाँ पे जो है गाइस ये जो देख रहे हैं आप ये है चूल्हे के पेड़ तो मैं दिखाती हूँ आपको इसमें फसल इसमें जो फ्रूट्स लगे हैं तो अच्छे खासे लगे हैं आपको दिखाई नहीं देंगे अभी थोड़े छोटे छोटे से हैं दिख रहा है आपको ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे से लगे हैं बहुत सारे लगे हैं इसमें तो चूली के पेड़ है ये तो यहाँ पे मैं रोड में पहुंच गई हूँ अब मुझे रोड बाय रोड जाना होगा टाइम ने मैं पहुंच चुकी हूं गांव वाले खेत में तो पीछे आप देख सकते हैं पेड़ इसमें जो अच्छे से पत्ते भी नहीं आए ना फ्लावरिंग हुई है तो ऐसे है इस बार हमारी फसल फसल तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है इसमें पत्ते भी अच्छे से नहीं आए आप देख सकते पीछे हस्बैंड जी काम कर रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं घूम रहे हैं सारे में तो हमारा ना गाइस पेड़ भी घिर गया है यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप ये बहुत ही बड़ा पेड़ था चुल्ली का पेड़ तो ये हवा से घिर गया है इतना तूफान चला होता है आजकल ये नीचे घिरा था इस पेड़ के ऊपर तो यहाँ आप देख सकते हैं अब तो काट दिया ये इससे जो बहुत सारी लकड़ियां निकली है तो हमारे पहाड़ों में जो ऐसा तूफान चलता है कि पेड़ भी गिर जाते हैं बड़े बड़े पेड़ तो इतनी सारी लकड़ियां निकली इससे बहुत बड़ा पेड़ था ये आप देख सकते हैं यहाँ है छोटू सा पेड़ हस्बैंड जी कर रहे हैं पॉलिनेशन तो इसमें जो है बहुत सारे लगे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है काट के नहीं तो ये ही ग्रोथ खा लेते हैं बाकी जो है फिर सूख जाता है अगले साल को मर जाता है अगले साल को फिर फसल मर जाती है अगर इनको नहीं काटते हैं जो है मुझे इस टैनी में ही दिखे सेब तो इतना बड़ा साइज हो गया है बाकी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें बाकी इतना बड़ा पेड़ खाली है कम ही लगे हैं इस बार तो गाइज ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको पसंद आ, आई होगी मेरी वीडियो पीछे आप देख सकते हैं हस्बैंड जी काम कर रहे हैं पेड़ में तो मेरी वीडियो को गाइज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और जो चैनल मैंने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अब अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जय श्री राम जय वीर बजरंग बली नमस्कार